कितना होगा पक्का बताओ? 2 लाख रुपए लगेगा, इससे 1 रुपए कम नहीं। पर चलेगी ना, आन मौके पे धोखा तो नहीं देगी? अरे चलेगी, एकदम धाए से चलेगी, मैं जुबान दे रहा हूँ। मुझे याद कर रहे थे ना? नहीं। अगर याद नहीं करते तो मैं फोन क्यों करती? अच्छा, और अगर बुला लेता तो? बुला लेते तो आ जाती। तो फिर आ जाओ ना, एक मिनट। प्रिया तुम यहाँ क्यों? बोलती बंद हो गई ना, अभी तो कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सपना नहीं है ये, सरप्राइज है बुद्धू। अच्छा, एक सरप्राइज मेरे पास भी है। क्या सरप्राइज? ये सुहाना मौसम, रोमांटिक गाने और एक लंबी ड्राइव। सच? आई लव यू सो मच। कहते हैं किसी से प्यार करना और बदले में उसी इंसान का प्यार पाना सिर्फ किस्मत वालों के नसीब में ही होता है, और जब ऐसा होता है तब दो प्रेमियों की दुनिया सिमट कर सिर्फ एक दूसरे तक रह जाती है। जिस दुनिया में वो अपने साथी के साथ मिलने वाले हर एक पल को बस जी लेना चाहते हैं। एक दूसरे को पाने के लिए प्रेमी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनके द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम उन्हें अपराध की तरफ भी ले जा सकता है। सुप्रिया तुम जानते हो ना तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जानती हूं। कभी ये अपराध प्रेमियों के द्वारा खुद किया जाता है तो कभी इस प्रेम की प्रतिक्रिया में किसी और के द्वारा, लेकिन इस विद्रोह का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हेलो। हेलो पापा। मनीष, मम्मी बोल रही हूँ। मम्मी वो पापा से बात कर रही है, कुछ अर्जेंट काम है। पापा तो सो गए बेटा, क्या हुआ? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए अर्जेंट। 10 लाख? इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? वो भी अचानक इतने रात गए? मम्मी जरूरी काम है तभी तो मांग रहा हूँ ना, आप प्लीज पैसे भेजिए। भेज दीजिए मतलब? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? इतने पैसे होने भी तो चाहिए ना। हाँ, पर अपने टाइम पे कभी काम आ ही नहीं सकते, सच में। हेलो, वो कल रात मनीष का फोन आया था, कुछ पैसे मांग रहा था। पैसे? कितने पैसे मांग रहा था? वो 10 लाख बोल रहा था। 10 लाख? उसे इतने पैसे क्यों चाहिए? पता नहीं, आप एक बार बात कीजिए ना उससे। उठा ही नहीं रहा। वो कल मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया था ना, इसलिए नाराज होगा मुझसे वो। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, फोन तो उठाना चाहिए ना। आप एक बार कीजिए ना फिर से। ये लड़का भी ना। हेलो।
मन लगाकर पढ़ाई करना और अगली बार ज्यादा दिनों की छुट्टियां लेकर आना, समझी? मैं कितने भी दिन रुक जाऊं, आपको हमेशा ही कम लगता है। पापा, सुप्रिया कॉलेज जा रही है, शादी करके नहीं। अरे तुझे क्या हुआ अभी? कुछ नहीं भैया, पापा आप अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी बात का कोई टेंशन मत लीजिएगा। चल तेरे पास जा रही है, चल चल जल्दी। अपना ध्यान रखना और पीजी पहुंचकर फोन कर देना याद से। और आप दोनों भी मुझे ज्यादा मिस मत करना। चल। कब से कह रही हूँ मैं आपसे कि मनीष से बात कीजिए, लेकिन आप है कि मेरी सुनते ही नहीं है। अरे बात तो तब करूँ ना जब ये लड़का अपना फोन ऑन करे, कल से बंद कर रखा। इतना भी क्या गुस्सा, 10 लाख रुपए पेड़ पर लगते हैं क्या? क्या पता उसने गुस्से में बंद नहीं किया हो, सच में कोई प्रॉब्लम में आ गया हो। रुको, मैं शीतल को फोन करता हूँ, आनंद को बोलता हूँ कि वो मनीष के रूम पर जाकर देख ले। हाँ पापा, आज सुबह सुबह। बेटा तुम्हारी मनीष से कुछ बात हुई क्या? 2 दिन से हमारी उससे फोन पर बात नहीं हो पा रही है। नहीं बाबा, मेरी तो मनीष से कोई बात नहीं हुई। पापा वो 2 दिन पहले रात को मनीष का फोन आया था। 10 लाख? मनीष तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए? दीदी बस चाहिए, मुझे जरूरत है। एक मिनट रुक। आनंद, आनंद उठिए ना। क्या हुआ? वो मनीष का फोन है, उसे कुछ पैसे चाहिए। देर रात गए? हाँ पता नहीं, उसे 10 लाख चाहिए। देखे, फोन देखे। मनीष तुझे अचानक इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? जीजा जी वो मैं आपको सब बताऊंगा, अभी मुझे पैसे चाहिए प्लीज। देख अभी तो फिलहाल मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,30,000 ही है। बस 1,30,000? चलिए आप वही भिजवाइए, मैं आपको वापस कर दूंगा। क्या उसने तुमसे भी पैसे मांगे? ना तुमने कुछ बताया ना शीतल ने। पापा वो आप परेशान होते इसलिए हमने नहीं बताया आपको। पापा मैं मनीष के रूम पर जाकर देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। क्या हुआ, क्या कहा आनंद? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. पापा क्या हुआ? फोन अभी भी बंद आ रहा है? हाँ, कल यहाँ से जाने के बाद से सुप्रिया का फोन नहीं लग रहा है। रात से फोन कर रहा हूँ। हो सकता है बैटरी वैटरी डाउन होगी फोन की। तो अभी सुबह तक फोन क्यों बंद है? आप शांत हो जाइए पापा, क्या पता कॉलेज में। नहीं सतीश, हमें अभी अहमदाबाद के लिए निकलना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पिछले 2-3 दिन से नहीं देखा। अच्छा कहाँ गया है, कुछ बोला क्या उसने आपको? नहीं कुछ नहीं बोला। आनंद जी मैंने कॉमर्स डिपार्टमेंट से पता करवाया है, 4 जून से मनीष कॉलेज आया ही नहीं है, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स में उसके एब्सेंट लगी हुई है। नहीं पापा, मनीष 2 दिन से ना कॉलेज आया है ना ही घर पर गया है। मनीष ऐसे कहाँ जा सकता है आनंद, और वो 10 लाख वो क्यों मांग रहा था? पापा मेरे हिसाब से हमें पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए, आप भी जल्दी से आ जाइए। हाँ हाँ हम बस अभी निकल रहे हैं।
10 लाख एक बड़ी रकम है। क्यों चाहिए था आपके बेटे को इतना पैसा? सर बताया ना, नहीं पता ना, उसने अपनी माँ को कुछ बताया और ना ही आनंद को। और अब वो मिसिंग है सर। उस वक्त मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,30,000 रुपये थे जो कि मैंने मनीष के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और फिर उसके बाद मेरी मनीष से कोई बात नहीं हुई। अच्छा एक बात बताइए राजन जी, अगर आपके पास इतना पैसा होता तो क्या आप अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते 10 लाख रुपये? आपको अपने बेटे पर इतना यकीन है कि बिना उससे वजह पूछे आप इतनी बड़ी रकम उसको ट्रांसफर कर देते? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ मेरा बेटा मिसिंग है, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो, और ये पैसे ट्रांसफर करता या नहीं करता, ये सब फिजूल की बातें क्यों पूछ रहे हैं सर? हाँ पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आनंद तुम 1,30,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो और उसके बाद तुम्हारी उससे बात तक भी नहीं होती, और ये बात तुम अपने ससुर को इन्फॉर्म भी नहीं करते। ये जानने की तुमने कोशिश ही नहीं की कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा है? सर हमें मनीष पे पूरा भरोसा है सर, वो एक समझदार लड़का है सर, आप प्लीज फिलहाल मनीष को ढूंढिए सर। देखिए ढूंढा उसे जाता है जो कहीं खो गया हो, लेकिन अब तक जो आप लोगों ने बताया उससे तो यही लगता है कि मनीष खुद अपनी मर्जी से कहीं गया है। आपको मनीष के किसी दोस्त के बारे में नहीं पता? कैसे हो सकता है सर? सर आप कहना क्या चाहते? हाँ हमें नहीं पता सर, इसीलिए तो आपके पास आए हैं सर। हमें नहीं पता कि आपको क्या लग रहा है, हो सकता है मनीष के साथ कुछ। ठीक है हम अपनी जांच शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। आप हमें मनीष का मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, उसके कॉलेज की डिटेल्स, और हाँ उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी दे दीजिए। साजन जी आर यू श्योर मनीष का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं था? जी नहीं, मनीष का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं, और अगर होता तो हमें पता होता, और अगर वो हमें नहीं भी बताता तो अपनी बहन शीतल को जरूर बताता सर। बार बार सुप्रिया का फोन मिलाने से कुछ नहीं होगा, जा रहे ना अहमदाबाद, जाके पता करते। नहीं तो क्या करूं, पीजी का नंबर भी तो नहीं दिया इस लड़की ने, जो वहीं फोन कर लेते हैं। मनीष सोलंकी नाम, मिसिंग है, इसके अकाउंट की डिटेल स्टेटमेंट चाहिए। सर 10 मिनट अभी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने सुबह ही मनीष के जीजा को बताया था, 4 जून के बाद से मनीष कॉलेज आया ही नहीं है। आनंद के जाने के बाद मैंने मनीष के टीचरों से बात की, उनका भी यही कहना है कि मनीष कभी भी लेक्चर बंक नहीं करता है। मनीष की क्लास में उसका कोई दोस्त जो उसके बारे में हमें कुछ बता सके? सलील और वैभव दोनों ही मनीष के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने सुबह ही उनसे बात की है, मैं उन्हें बुला लेती हूँ, आप भी बात कर लीजिए। सर 5 जून की सुबह ही मनीष सोलंकी के अकाउंट में 1,30,000 डिपॉजिट किए गए थे मिस्टर आनंद जोशी के अकाउंट से। पहले कुछ 20,000 थे अकाउंट में, तो डिपॉजिट के बाद टोटल 1.5 लाख हो गए, और कुछ घंटों में ही 2 अलग अलग ATM से 40,000-40,000 निकाले गए। अगले दिन यानी 6 जून को भी 2 अलग अलग ATM से बचे हुए 30,000 और 40,000 भी निकाले गए। इन ATMs के लोकेशंस कहाँ की? सर 4 अलग अलग विड्रॉल हुए थे 4 अलग अलग ATM से, और ये चारों ATM शहर के अलग अलग जगह में। सर ये मनीष सोलंकी का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है। इस अकाउंट में से 15 मार्च को भी एक मेजर ट्रांजैक्शन हुआ था 20,000 रुपये। 20,000? क्या ट्रांजैक्शन था? सर 20,000 रुपया मनीष के अकाउंट से एक ज्वेलरी स्टोर को ट्रांसफर किया गया था। हमें ज्वेलरी स्टोर का नाम और एड्रेस चाहिए, और साथ ही उन चारों ATMs के एड्रेसेस भी जहाँ से मनीष ने पैसे विड्रॉ किए थे, और हाँ इन ATMs की 5 और 6 जून की CCTV फुटेज भी चाहिए। सर ज्वेलरी स्टोर का एड्रेस तो अभी दिलवा देता हूँ, लेकिन CCTV फुटेज का स्टॉक हमारे बैंक हेडक्वार्टर में रहता है जो आपको कल तक ही मिल पाएगा। और सर आपने कहा था कि मनीष ने अपने फादर से भी पैसे मांगे थे, लेकिन कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं था, राइट? राइट। नहीं सर, 6 महीने पहले एक बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ था राजेंद्र सोलंकी के अकाउंट से, अमाउंट 2 लाख था। उस 2 लाख का चेक से कैश विड्रॉल हुआ था डिपॉजिट के अगले दिन। सलील वैभव मैटर बहुत सीरियस है, तुम्हारा दोस्त मिसिंग है, अगर तुम दोनों कुछ भी जानते हो तो इन्हें बता दो। मैम मनीष से हमारी आखिरी बार बात 4 तारीख की रात को हुई थी। 4 तारीख की रात को? हाँ मैम, उसने फोन किया था। 10 लाख? भाई मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? यार तू अंकल से मांग लेना, उनको बोल तुझे जरूरत है,
अब पक्का तुझे वापस कर दूंगा। अरे लेकिन मेरे पापा के पास 10 लाख होंगे भी तो वो मुझे नहीं देंगे, और पूछताछ करेंगे वो अलग। यार तू बात तो करके देख। भाई मैं जानता हूँ अपने पापा को, वो नहीं देंगे। फोन रख सारे, तू किसी काम का नहीं है। 10 लाख तुमसे भी मांगे थे? हाँ मैम, मैम उसने मुझसे भी पैसे मांगे थे। अरे मनीष 5,000 की बात होती मैं खुद करके देता भाई, पर 10 लाख रुपए मेरे से नहीं हो पाएगा। तुम सबके सपना निकम्मे हो, जरूरत पर कोई काम नहीं आता। लेकिन मनीष को इतने पैसे क्यों चाहिए थे? मैम वो तो हमें नहीं मालूम। तुम लोग दोस्त हो उसके, उसने पहले कुछ बताया हो पैसों से रिलेटेड? सलील वैभव अगर तुम्हें कुछ पता है, तुम कुछ भी जानते हो तो प्लीज पुलिस से कोऑपरेट करो। मैम वो मनीष MBA की कोचिंग ज्वाइन करना चाहता था, हो सकता है इसके लिए पैसे चाहिए उसे। अरे ऐसी कौन सी MBA की कोचिंग है अहमदाबाद में जिसके 10 लाख लगते हैं? मैम हमें तो बस इतना ही पता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने कॉलेज में हमारे पहुंच से दूर हो, हम तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे और तुम दोनों जितना चाहे झूठ बोल सकते हो, तो गलत सोचते हो। नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जितना मालूम था वो सब आपको बता दिया पहले। सलील मेरा रोज का काम है झूठ को भापना, मुझे पता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। प्रिंसिपल को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। अब सच सच बोलो, मनीष कहाँ है? मैडम हमें सच में नहीं पता, उससे आखिरी बार बात 4 जून को हुई थी और तब से उसका फोन भी बंद है। वैभव ऐसे कैसे हो सकता है कि मनीष कहाँ है ये किसी को नहीं पता, ना उसके घर वालों को ना उसके दोस्तों को। ये मनीष चीज क्या है? मैडम मनीष ज्यादा बात किसी से नहीं करता था, हम उसके दोस्त है पर कुछ पर्सनल शेयर नहीं करता था। अगर तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो और हम लोगों को बाद में पता चला तो उल्टा टांग देंगे। बोलो अभी वक्त है, उसे इतने पैसे क्यों चाहिए थे? बेटिंग, जुआ या कोई और शौक, या फिर लड़की का मामला? नहीं मैम मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। नहीं अंकल, मेरी सुप्रिया से कोई बात नहीं हुई, अगर उसे यहाँ आना होता तो मुझे फोन जरूर करती। कल रात से PG आई ही नहीं है, कल से उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, कहां गई होगी? सर, आइए रंजीत जी बैठिए। सर मनीष का कुछ पता चला? अभी तक नहीं, मुझे कुछ बातें करनी थी आपसे। जी सजन जी से मैंने आपसे पूछा था 10 लाख रुपए के बारे में, तब आपने कहा था कि आपने कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया। हाँ सर सच है, मैंने कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया। 12 मार्च 2019 आपके अकाउंट से आपके बेटे के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, चेक डिपॉजिट था। ये बात क्यों छुपाई आपने हमसे? आपका बेटा किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है ये बात पता है आपको, आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्या किया है मनीष ने जिस पर पर्दा डालने के लिए मिसिंग कंप्लेन का नाटक किया जा रहा है? क्या डेट बताई आपने? 15 मार्च। हाँ 15 मार्च, मनीष सोलंकी नाम था, इसका यहाँ पे डेबिट कार्ड स्वाइप हुआ था, 20,000 की शॉपिंग की थी। ये रहा, उस दिन ये लड़के ने यहाँ से एक रिंग खरीदी थी। नहीं नहीं ये सब नहीं, कुछ नया डिजाइन दिखाइए ना। ये लेटेस्ट डिजाइन है सर, ये सबके सब तो एक जैसे दिख रहे हैं, कुछ स्पेशल दिखाइए, क्योंकि जिसके लिए मैं ले रहा हूँ ना वो बहुत स्पेशल है। एक मिनट, ये लीजिए। स्पेशल लेडीज रिंग थी? जी सर। आपका बेटा बड़ी बड़ी रकम मांगता है, आपकी फैमिली का दूसरा मेंबर बिना वजह जाने उसको पैसे दे भी देता है, कोई खजाना है आप लोगों के पास या फिर हमें बेवकूफ समझ रखा है? सर जब उसने 2 लाख रुपए मांगे थे तो हमने वजह पूछी थी। 2 लाख? हाँ पापा वो MBA की कोचिंग देखी है मैंने, उसमें जमा करने। मुझे एक कोचिंग के लिए 2 लाख? बेटा पापा वो बड़ी कोचिंग है इसलिए फीस भी थोड़ी ज्यादा ले रहे हैं वो। कोचिंग के लिए 2 लाख? किसी ने चेक भी किया कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है? बस यकीन कर लिया।
हमें मनीष पर पूरा भरोसा है, हम उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करते, कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन इस बार जब उसने 10 लाख रुपए मांगे तो आप यकीन कीजिए सच में हमें कोई मौका नहीं मिला उससे बात करने का। सर उसे 10 लाख रुपए क्यों चाहिए थे हमें नहीं पता। फिर तो आपको यह भी पता नहीं होगा कि 15 मार्च को उसने एक रिंग खरीदी थी, लेडीज रिंग, और आई एम श्योर वो रिंग उसने आपकी पत्नी और आपकी बेटी को गिफ्ट नहीं की होगी। तो किसके लिए ली? ये भी नहीं पता ना आपको? आपको कुछ नहीं पता है? वो क्या रहा है ये? उसके दोस्तों तक का नाम हमें उसके कॉलेज से पता चला है। आप लोग छुपा रहे हैं हमसे, झूठ बोल रहे हैं। कोई कुछ नहीं छुपा रहा, आप हम लोगों पर यकीन क्यों नहीं करते? मनीष ऐसे कहीं नहीं जा सकता सर, वो मिसिंग है। ये मिसिंग ना दिखावा है राजेंद्र जी। मनीष की जिंदगी में एक लड़की है और इसकी भनक तक नहीं है आपको? नहीं मान सकता। कौन है वो लड़की? क्या किया मनीष ने उसके साथ? मनीष अलग अलग एटीएम से पैसे निकालता है, ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी उसे? ऐसा क्या किया उसने कि उसे भाग के छिपना पड़ रहा है? सचिन जी वो चाहे कितना भी भाग लेकर जुर्म हुआ है ना तो वो बच नहीं पाएगा, और वो जितना भागेगा ना उतना बुरा होगा उसके लिए। मुझे तो कुछ नहीं पता हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अहमदाबाद में आपका कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला जिसके यहाँ पे सुप्रिया जा सकती है? यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, और उसी कॉलेज की फ्रेंड नया उसी के साथ पीजी में रहती है, उसे भी कुछ नहीं पता है। सुप्रिया का किसी के साथ कोई अफेयर था? आई मीन वो किसी को पसंद करती थी कॉलेज में या? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अरबाब को ऐसे ही लगता है। देखिए आपकी बेटी यहाँ अहमदाबाद में अकेली रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी, हो सकता है कि किसी के साथ अफेयर हो गया हो। सर आप ऐसे कैसे कुछ भी बोले जा रहे हैं, वो गायब है, प्लीज ढूंढिए उसे। वो तो हम ढूंढेंगे, सुप्रिया की मोबाइल नंबर और डिटेल दे दीजिए, मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर लेते। कटकाटी और हाइट मनीष से काफी मिलती जुलती, शायद ये मनीष ही है। एक ही लड़के ने 4 अलग अलग एटीएम से पैसे निकाले और हर जगह पर उसने यही हुडी पहनी हुई है। माजरा क्या है ये? कुछ दिन पहले ये एक लड़की के लिए रिंग खरीदता है, फिर एक दिन घर वालों से दोस्तों से पैसे मांगता है और पैसे निकालने के बाद अचानक गायब हो जाता है। तो शायद मनीष ये सब काफी पहले से प्लान कर रहा था, इस लड़की के लिए अंगूठी खरीदी थी, हो सकता है उसी के साथ भाग गया। शायद कॉल रिकॉर्ड था इसके? हाँ सर, इसने आखिरी कॉल अपने दोस्त सलील को किया था 4 तारीख की रात 12 बजे, उसके बाद इसके फोन से कोई भी कॉल्स नहीं किया गया। फिर 6 जून की सुबह इसका फोन बंद होने के बाद अभी तक स्विच ऑफ है। कॉल डिटेल्स में कोई लड़की? नहीं सर, कुछ रैंडम नंबर्स के अलावा इसने सारे कॉल्स अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को किए थे। 6 जून को इसके फोन की लोकेशन क्या थी? यही अहमदाबाद के भोपाल इलाके में। मैंने उसकी फैमिली और उसके दोनों दोस्तों से कंफर्म किया, कह रहे थे उनकी जान पहचान का भोपाल में कोई भी नहीं रहता, कह नहीं सकता कि मनीष वहां क्यों और किससे मिलने गया था। कोई ना कोई लड़की का मामला तो डेफिनेटली। अचानक इतने सारे पैसे लेकर गायब हो जाना, 3 महीने पहले एक लड़की के लिए रिंग खरीदना, लेकिन इसके दोस्तों को कुछ नहीं पता है। या तो ये मनीष बहुत ही शातिर है या फिर सबके सब एक ही सिर में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इतना पक्का है कि मनीष की लाइफ में कोई ना कोई लड़की जरूर है। यही है मनीष? लग तो वही रहा है, चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो वही हुडी है सर, ये मनीष की हुडी है, पिछले साल शीतल ने राखी पर मनीष को गिफ्ट किया था। और ये रहा तेरा गिफ्ट, देखकर बता कैसा लग रहा है? वाव दीदी हुडी। सर ये वही हुडी है। राजेंद्र जी अब तक जो सामने आया उससे तो यही लग रहा है कि आपका बेटा मनीष खुद अपनी मर्जी से कहीं भागा। ये आप बार बार एक ही बात कैसे बोले जा रहे हैं कि वो भाग गया है? अरे सर लड़के का मामला होता तो हमसे बात तो जरूर करता ना, कुछ तो बताता। अगर उसको बताना ही होता तो उसने अपनी माँ अपनी बहन को तभी बता दिया होता जब 4 जून को उसने पैसे मांगने के लिए फोन किया था। मम्मी मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? 10 लाख दीदी बस चाहिए, मुझे जरूरत है।
सर घर में सबकी हालत खराब है, अब प्लीज मनीष को ढूंढिए सर। और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मनीष ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हो। तो फिर किसकी मर्जी से कर रहा है? सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है कि वो अपनी मर्जी से पैसे निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिससे लग रहा हो कि वो दबाव में या जबरदस्ती में पैसे निकाल रहे हैं। या फिर बात कुछ हो रही है, क्योंकि जो भी है बता दीजिए। बता दीजिए, हमने कितनी बार कहा कि हमें नहीं पता। हाँ हमसे गलती हो गई कि हमने अपने बेटे से सवाल जवाब नहीं किए, करना चाहिए था तो, लेकिन अब क्या करें, नहीं ढूंढेंगे आप उसे, हमसे पूछताछ करते रहेंगे, हम पर शक करते रहेंगे। अगर हमें पता होता कि उसने कुछ गलत किया है और हम उसमें शामिल हैं तो क्या हम यहां आते उसे बचाने के लिए? वहीं बैठे रहते ना जूनागढ़ में, आपका इंतजार करते और आप आते पूछताछ करते हुए। सुप्रिया गोयल आपके कॉलेज में बीकॉम सेकंड ईयर की स्टूडेंट है और 6 जून से गायब। क्या अब ये भी मिसिंग है 6 जून से? भी मतलब और भी कोई गायब है क्या? सर 2 दिन पहले हमारे कॉलेज में दूसरी पुलिस की टीम आई थी, हमारे कॉलेज का थर्ड ईयर बीकॉम का मनीष सोलंकी नाम का लड़का है, उसे ढूंढते हुए, वो भी मिसिंग है 4 जून से। मनीष सोलंकी जी। अच्छा पुलिस टीम कहां से आई थी? आदर्श चौक पुलिस स्टेशन। मनीष और सुप्रिया दोनों एक ही कॉलेज से थे और 2 दिन के अंतर से दोनों गायब हो जाते, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। कहीं ये सुप्रिया वो स्पेशल लड़की तो नहीं जिसके लिए मनीष ने अंगूठी खरीदी थी? लेकिन दोनों का लिंक नहीं मिल रहा, अगर वो दोनों साथ में थे तो मनीष की CDR में सुप्रिया का नंबर क्यों नहीं मिला? सर हो सकता है अपने अफेयर को सीक्रेट रखने के लिए वो दोनों किसी नए नंबर का इस्तेमाल कर रहे हो जिसके बारे में शायद किसी को कुछ पता ही ना हो। मनीष और सुप्रिया के बारे में दोनों फैमिलीज को कुछ नहीं मालूम था, हो सकता है, लेकिन दोस्तों को भी कुछ नहीं मालूम था, ये कैसे हो सकता? एक इम्पोर्टेंट लिंक बताना तुम भूल गई नहीं? मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप कौन से इम्पोर्टेंट लिंक की बात कर रहे हो? सुप्रिया गोहिल और मनीष सोलंकी का अफेयर, ये बताना भूल गए तुम दोनों? क्यों सलील वैभव? मनीष सोलंकी, उसका सुप्रिया के साथ गायब होने का क्या मतलब हो सकता है? तो तुम ये कह रही हो कि दोनों का गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक है? सर ये इत्तेफाक ही होगा, उनके बीच कोई अफेयर नहीं है, बस वो बस क्या, जो कुछ भी जानते हो अपने आप बता दो तुम दोनों, वरना हमें सच निकलवाना आता है। सर वो मनीष सुप्रिया को पसंद करता था, कुछ 7-8 महीने पहले उसने अपने दिल की बात भी कही थी सुप्रिया से। सुप्रिया। हाय मनीष। वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मनीष आई एम सॉरी लेकिन प्लीज दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन सुप्रिया सुनो तो, मैं सच में तुम्हें मनीष प्लीज। और तुम दोनों ने ये बात अब तक हमसे छुपाई क्यों? सर बात कई महीने पुरानी थी, सुप्रिया ने भी मना कर दिया था, मनीष दुखी जरूर था लेकिन इस बारे में उसने कभी भी सुप्रिया से बात नहीं की। उसके बाद उसने पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दिया, इसलिए इस बात पे हमारा ध्यान ही नहीं गया सर। मनीष ने एक अंगूठी खरीदी थी किसी लड़की के, हो सकता है कि सुप्रिया को भी मनीष पसंद आने लगा और दोनों का अफेयर शुरू हो गया और अब दोनों ही गायब। और तुम अब भी ये कहोगे कि दोनों के बीच कुछ नहीं था, मनीष दोस्त था ना तुम दोनों का, कुछ शेयर नहीं किया उसने तुम लोगों से? सुप्रिया ने मुझसे मनीष की बात क्यों नहीं शेयर की इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? जवाब सिंपल है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा रही हो। मनीष और सुप्रिया अपना रिलेशन सबसे छुपा रहे थे, भाग जाने की प्लानिंग उन्होंने पहले ही की थी और शायद तुम्हें ये बात पता थी। सर सुप्रिया ऐसे भागकर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती क्या पापा, वो तो भाग के चली भी गई, सच हमारे सामने। सर मनीष हमसे इस मामले में बात जरूर करता, वो किसी से बिना कुछ कहे कभी नहीं भाग सकता। राजेंद्र जी आप माने या ना माने लेकिन सच यही है, मनीष के दोस्तों ने भी यही बताया कि मनीष सुप्रिया को पसंद करता था, अंगूठी खरीदी थी उसने। बेहतर यही होगा कि आप लोग सच को स्वीकार कर लें कि आपका बेटा मनीष और आपकी बेटी सुप्रिया दोनों साथ में भाग गए। मैं बार बार बोल रहा था इतनी छूट मत दो, मैंने भरोसा किया था अपनी बेटी पर, मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा है।
पुलिस की जांच में मिले सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि सुप्रिया और मनीष का अफेयर चल रहा था और दोनों साथ में भागे थे। लेकिन उनके परिवार वालों के लिए इस बात को मानना आसान नहीं था। क्या सुप्रिया और मनीष सच में साथ में भाग गए थे या फिर सुप्रिया और मनीष का गायब होना किसी बड़े विकृत अपराध की दस्तक थी? आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसी खबर सामने आने वाली थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और यह खबर इस केस की पूरी दिशा बदल देने वाली थी। सर, ये तो डबल मर्डर केस लगता है। लगता है दोनों को शूट किया गया था। बॉडी की हालत तो बहुत ही खराब है। ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन पहले ही मर्डर हुआ है। सर, LMS कॉलेज, सुप्रिया गोहिल। सर, पहले दोनों को गोली मारी गई है, फिर उस सुनसान जगह पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। इन दोनों विक्टिम्स के मोबाइल मिले क्या? नहीं सर, शायद किलर अपने साथ ले गए होंगे। सर, सुप्रिया और मनीष की फैमिलीज को इन्फॉर्म किया है, शिनाख्त के लिए बुलाया है उन्हें। हमें लग रहा था ये दोनों घर से भागे हुए हैं, घर वालों से छुपके कहीं रह रहे होंगे। अब तो केस ही उलट गया। सर, का इनका घर से भाग जाना ही तो इनकी हत्या की वजह नहीं बन गया? किशोर जी, बॉडी के पास से आई कार्ड के अलावा ये सामान भी मिला है। क्या है सुप्रिया का? राजेंद्र जी, क्या ये आपका बेटा मनीष है? ऐसे कैसे कोई पहचान सकता है, इसका चेहरा तो बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। क्या ये कपड़े देखकर आप कुछ बता सकते हैं? आप लोग हिंदू हैं जी? ये इनका बेटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो लाश मिली है वो मुस्लिम लड़के की, लाश का खतना हुआ है। सर, शुरुआत में मामला जितना साफ दिखाई दे रहा था उतना ही उलझावा साबित हो रहा है। हाँ सिंह, और हर मोड़ पर हमें एक नई, हमें इनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। वो हमारी सुप्रिया को लेके भाग गया और मार डाला उसे। ए! हमारी बहन के बारे में सोच कर चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बेटे के बारे में कुछ भी बोलते रहोगे। अरे सच तो बोल रहे हैं, खूनी है तुम्हारा बेटा, उसी ने मारा सुप्रिया को। सबूत क्या है आपके पास कि मनीष ने ऐसा कुछ भी किया है? क्यों शोर मचा रहे हो, क्या तमाशा है? एक तो हमारा बेटा गायब है, हो सकता किसी मुसीबत में हो, और ये लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। राजेंद्र जी, ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त कहाँ है आपका बेटा। अरे ये क्या बोलेंगे, कमीना इनका बेटा, मार के भाग गया सुप्रिया को। हमारा मनीष कमीना है तो आपकी लड़की क्या है? और उस सुनसान जगह पर उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? पुलिस स्टेशन है, और घर जाइए आप लोग, तहकीकात कर रहे हैं हम लोग, जैसे हमें कुछ पता चलेगा अपडेट करेंगे आप लोगों को। सर, अब तक ये मनीष और सुप्रिया का रिलेशन ही एक सवाल था, लेकिन अब ये नया लड़का एक अलग ही पहेली बन गया है। तो सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। मनीष के दोस्त सलील और वैभव ने बताया कि सुप्रिया ने मनीष के प्रपोजल को ठुकरा दिया। शायद यही वजह होगी, ये लड़का होगा उसकी जिंदगी में जिसकी हमें लाश मिली। मनीष सुप्रिया को लाइक करता था, ये बात हमें पता है। तो क्या मनीष को भी ये बात पता थी कि सुप्रिया ने उसके प्रपोजल को क्यों ठुकराया, और इसी वजह से मनीष ने दोनों को मार दिया? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। I'm not interested. नेहा, हमें सुप्रिया की बॉडी के साथ एक लड़के की भी डेड बॉडी मिली। शुरू में हमें लगा वो मनीष होगा, पर वो मनीष नहीं है क्योंकि वो कोई मुस्लिम है। तुम कुछ बता सकती हो कौन हो सकता है वो? हाँ सर, वो असद होगा। असद कौन है असद? सर, वो हमारे कॉलेज में 2 साल सीनियर था। चलो सैल्यूट करो। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से करो, नेवी जैसा करो। क्या चल रहा है भाई? रैगिंग ली जा रही है फर्स्ट ईयर वालों की। रैगिंग नहीं, बस थोड़ी तमीज सिखा रहे थे इन लोगों को। सो फर्स्ट डे? जी सर। चलिए आप लोग अपनी क्लास में जाइए, लेट हो रहा होगा। और तुम? अरे भाई फर्स्ट डे है, क्यों डरा रहे हो? जाओ, आप लोग भी लेट हो रहे होगे ना अपनी क्लास के लिए। क्या हुआ, आप लोगों को क्लास नहीं जाना? एक्चुअली क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? असद।
सुप्रिया असद पर पहले दिन से ही फिदा थी और जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई और फिर प्यार। वो दोनों कॉलेज में साथ ही घूमते थे। असद के कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनका अफेयर चालू रहा सर। जब हमने तुमसे सुप्रिया के किसी अफेयर के बारे में पूछा था तब तुमने हमें इस असद के बारे में क्यों नहीं बताया? वो असद और सुप्रिया सर शादी करना चाहते थे लेकिन उन दोनों का धर्म अलग था। उनको इस बात का डर था कि कहीं उनके फैमिली वाले उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इसलिए जब मुझे पता चला कि वो गायब हुई तो मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों साथ में भाग गए हैं। और फिर आप लोगों ने जब मुझे मनीष और सुप्रिया के अफेयर के बारे में पूछा तो मैंने सोचा कि सबके लिए यही समझना ठीक होगा। मनीष को पता था सुप्रिया और असद के बारे में? पता नहीं सर, लेकिन मनीष सुप्रिया को पसंद तो करता था। असद का घर कहां पे है जानती हो? सर यह असद और सुप्रिया का अफेयर सॉलिड था काफी टाइम से, तो फिर मनीष ने सुप्रिया के लिए वो रिंग क्यों खरीदी होगी? हो सकता है सुप्रिया दोनों के साथ हो, टू टाइमिंग। सुप्रिया तुम जानती हो ना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जानती हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि मनीष सुप्रिया का दीवाना हो, यू नो, एक तरफ आशिक। सुप्रिया क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? बहुत सिंपल काम है। सुप्रिया जान देखो, तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो रिंग चूज कर लो या फिर मुझे बंदूक चूज करके तुम दोनों को मारना पड़ेगा। सुप्रिया तुम जानती हो ना, तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। मनीष मनीष मेरी बात सुनो। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ तीन तक गिनूंगा, एक तो मनीष सुनिए जी, असद के अब्बू आप ही? हाँ। आपको हमारे साथ चलना होगा। पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया मेरा मनीष, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर उसे इतने पैसे चाहिए क्यों थे? असद अंबाड़ीपुर के पास किराए पर रहकर काम करता था, हर चार पांच दिन में खुद ही फोन किया करता था। अभी तीन चार दिन पहले ही बात हुई थी तो मुझे कैसे पता चलता कि असद गायब हो गया। असद सुप्रिया नाम की एक लड़की से प्यार करता था, शादी करना चाहता था उससे। असद के साथ हमें सुप्रिया की भी लाश मिली। असद ने इस लड़की के बारे में कभी कोई जिक्र किया था आपसे? असद ने इस बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। सर मनीष के एक साल के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। जब मनीष ने वो 2 लाख रुपए विड्रॉ किए थे उसके आसपास उसकी एक नंबर पे लगातार बात हो रही थी। ये नंबर किसी विनोद पटेल का है। और सर अजीब बात ये है कि बात अचानक से होनी बंद हो गई। सर हो सकता है कि ये सुपारी किलिंग का केस हो और ये विनोद पटेल किसी को सुपारी दी गई हो। उठा लाओ इस विनोद पटेल को और खबरियों को भी एक्टिव रखो। कहाँ लेके जा रहे हो साहब? क्या किया मेरे साहब? सिर्फ सच चाहिए मुझे। बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी सुप्रिया और असद को नहीं जानता सर, ना ही मैंने उन्हें मारने की कोई सुपारी ली। मैं गैरेज चलाता हूँ, छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ सर। तो फिर मनीष सोलंकी ने 6 महीने पहले जनवरी 2019 में 2 लाख रुपए क्यों दिए थे तुझे? मनीष सोलंकी सर? हाँ सर, वो तो मेरा ग्राहक था सर, 2 लाख रुपए में मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी बेची थी। गाड़ी की कंडीशन तो सही है लेकिन दाम अगर कुछ कम हो सकता है तो बताओ। मनीष अच्छी कंडीशन की गाड़ी है, सही दाम बोल रहा हूँ। कितना होगा पक्का बताओ? 2 लाख रुपए लगेंगे, इससे 1 रुपए कम नहीं। पर चलेगी ना, ऐन मौके पे धोखा तो नहीं देगी? अरे चलेगी, एकदम धाई से चलेगी, मैं जुबान दे रहा हूँ। सर वही 2 लाख रुपए मुझे मनीष ने दिए थे सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए, उसके बाद से मेरी और मनीष में कोई बात नहीं हुई। उस गाड़ी का नंबर चाहिए हमें और ट्रांसफर पेपर भी। ट्रांसफर तो करवाया था ना? हाँ सर ट्रांसफर करवाया था ना सर। सर अगर आपको गाड़ी के कागज और पेपर चाहिए तो आप गैरेज में जाके ले सकते हैं सर। सर
गाड़ी के पेपर्स तो ओरिजिनल लग रहे हैं। तो इसका मतलब है मनीष कार के साथ फरार हुआ है, तो उसे ढूंढने में अब आसानी होनी चाहिए। राइट, गाड़ी का नंबर सब जगह सर्कुलेट करो, हमें इसे हायर प्रायोरिटी पे ढूंढना है। और शहर के हर टोल नाका से 4 से 10 जून के बीच का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अगर मनीष ने मर्डर किया है तो उसने शहर छोड़ने की भी कोशिश जरूर की होगी। एक साधारण सा मिसिंग केस जिसे पुलिस महज एक लड़का लड़की के अफेयर और साथ में भाग जाने का केस मान रही थी, वो अब एक डबल मर्डर केस में बदल चुका था। केस की छानबीन के दौरान पुलिस को हर मोड़ पर एक नई पहेली का सामना करना पड़ रहा था, जबकि पुराने सवालों के जवाब अब भी अधूरे थे। पर आखिरकार पुलिस की कोशिशें रंग लाने वाली थी और उनके हाथ इस केस का वो सिरा लगने वाला था जो शायद इस केस की गुत्थी को सुलझा सकता था। हेलो, डबल मर्डर की सुपारी के बारे में जानना? कौन बोल रहा है बे? तेरा शुभचिंतक। अब सुन, सिर्फ लड़के को मारने की सुपारी दी गई थी, लड़की साथ में थी तो मजबूरी में उसे भी मारना पड़ा। ये आइडिया तो हमने पहले ही बैठा लिया था, कुछ नया बता। किसने दी थी सुपारी ये बताऊंगा तो नया होगा। किसने दी सुपारी? भाई ये सब हो जाएगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था यार। हमें ना मनीष को रोकना चाहिए था, उसका साथ नहीं देना चाहिए था। भाई जो होना था वो हो गया है, पुलिस मनीष के पीछे है। समझदारी इसी में है कि अब हम इस सबसे दूर रहे। सर मनीष के दोस्तों का फोन टैपिंग पे डाल दिया, हमारे आदमी 24 घंटे उनके पीछे लगे हैं। लेकिन सर मनीष ने अभी तक अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया है और ना ही अपने घर वालों से। पर हाँ, मनीष के दो दोस्त सलीम और वैभव, ये दोनों कुछ ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। लगे रहो सबके पीछे, कोई ना कोई मूवमेंट जरूर होगी। कार का क्या स्टेटस? सर किसी भी टोल नाके पर या कहीं पर भी मनीष की कार देखी नहीं गई। मनीष फरार तो है, हो सकता है मनीष ने वो कार किसी को दे दी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कार सुपारी क्लिंग की फीस हो। वो कार कहीं ना कहीं से तो जरूर गुजरी होगी। मनीष सोलंकी का केस अब पलट चुका था। जहां शुरुआत में पुलिस ये मानकर चल रही थी कि मनीष और सुप्रिया साथ में भागे थे, वहीं अब उसी मनीष को पुलिस सुप्रिया और असद के डबल मर्डर में संदिग्ध मान रही थी। पुलिस मनीष की कार की तलाश में हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर क्या मनीष सच में अपराधी था? क्या मनीष का सुप्रिया के लिए एक तरफा प्यार एक जुनून में बदल गया था और इसी के कारण उसने असद को मरवाने की सुपारी दी थी, या फिर सच का बाहर आना अभी बाकी था? इस कत्ल के रहस्य का अंजाम क्या हुआ ये हम देखेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में रात 11 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।